कोरोना महामारी के बाद से भारतीय सेना में भर्तियां नहीं हो रही हैं, इससे देश के लिए जान नौछावर करने वाले युवाओं में निराशा का अभाव है और वह चाहते हैं कि सेना में तत्काल जवानों की भर्तियां शुरू करें। इसी के तहत मंगलवार को मुरादाबाद में कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी सुनील यादव के नेतृत्व में युवाओं ने अम्बेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और जिलाधिकारी को रक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया कि 2 साल से भारतीय सेना में भर्तियां बंद हैं, इन्हें तुरंत शुरू किया जाए। इस दौरान चंचल यादव, दानवीर यादव, मनोज राठी, संचित यादव, आकाश यादव, राहुल, शिवम, गुलाब सिंह, प्रमोद यादव, मोनू यादव, अक्षय चौहान, गोपाल, हर्षित यादव, हिमांशु यादव आदि रहे। सेना भर्ती की मांग के लिए जिलाधिकारी महोदय को, रक्षा मंत्री महोदय को समर्पित एक जो ज्ञापन दिया और मांग की है कि जो 2 साल से सेना भर्ती नहीं आई है उसका जल्द से जल्द आयोजन किया जाए। 2 साल से सड़कों पर दौड़ रहे हैं और भर्तियां आई लेकिन सेना भर्ती का आयोजन नहीं किया गया। हम लोगों की मांग रहती थी भाई स्टेडियम बनाया जाए लेकिन स्टेडियम नहीं मिल रहा। गाँव के लोग हम जो है सड़कों पर दौड़ते हैं, उसके बाद अगर भर्ती नहीं मिल रही है और सबसे बड़ा काम जो है सेना में जाने का है, उसके लिए लड़के देशभक्ति जो है भावना लेकर तैयारी करते हैं और फिर भी जब आयोजन नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं निराशा मिलती है। जब मांग की गई तो बोला कोरोना का मुद्दा उठा दिया कि कोरोना इससे फैलेगा। उन लोगों की जो रैलियाँ हो रही हैं कोरोना उन चुनावी रैलियों से नहीं हो रहा है क्या? अगर अब भी समय है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम रक्षा मंत्री महोदय तक पैदल यात्रा करेंगे और वहाँ जाकर हम धरना देंगे, उनसे मांग करेंगे कि हम एज का रिलैक्सेशन भी हमें नहीं दिया और अब भर्ती का आयोजन भी नहीं किया। बस हम यही विनती करते हैं कि जल्द से जल्द सेना भर्ती का। आज मुरादाबाद पहुँचे हैं, ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन? आश्वासन मिला है आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। हम उत्तर प्रदेश के लगभग 10 जिलों से ज्ञापन दे चुके हैं और आगे जितने भी जिले हैं सभी से हम ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि भाई एक जो है सेना भर्ती का आयोजन भी किया जाए। मांगे नहीं जाती हैं, अगर मांगे मानी नहीं जाती, अगर मांगे हमारी मानी नहीं जाएंगी तो हम दिल्ली तक पैदल जाएंगे और रक्षा मंत्री महोदय के आवास पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ बैठेंगे और सेना भर्ती जो है रैली की मांग करेंगे। मैं एक राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी खिलाड़ी हूँ। देखो मेरे लिए जितना अहम खेल का मैदान है उतना अहम इन लोगों की आवाज़ उठाना है। खेल के मैदान पर मैं अकेला खेल रहा हूँ लेकिन जब ये मेरे भाई परेशान है तो इनकी मांगों के लिए मैं आगे आऊँगा। जब तक इन लोगों के लिए जो है सेना भर्ती का आयोजन नहीं होगा मैं भी अपने किसी भी खेल में जो प्रतिभाग नहीं करूँगा। इनकी मांग हमारे लिए सर्वोपरि है। आज हम जो सुरक्षित है वो इन लोगों की वजह से है। कितने ऐसे हमारे साथ लगभग सैकड़ों युवा जो तैयारी कर रहे हैं सेना भर्ती की, इन लोगों की मांगे हैं कि सुनील भाई आप जो है मुद्दा उठाइए सेना भर्ती का। हम लोग और भी अन्य प्रकार की मांगें उठाते रहते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य है उसके साथ साथ भाई समाज के लिए समय देना जरूरी है और ये मुद्दा सेना भर्ती का तो हमारे लिए सबसे अहम है। चाहे और अन्य वैकेंसी हो, आज के समय में सभी भर्तियां हो रही हैं लेकिन सेना भर्ती नहीं हो रही, तो हम जब सुरक्षित नहीं है तो हम आगे और क्या कर सकते हैं। ठीक है।